हर ऑफिस, स्कूल, हॉस्पिटल की कंप्लीट सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन के लिए लगवाएं शाहान विजन सॉल्यूशंस के सीसीटीवी कैमरास, वो भी कम दाम में। आज ही कॉन्टैक्ट करें 7857934410। राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब की तबीयत अचानक खराब हो गया, जिसके बाद पटना के पारस अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। ये खबर जैसे ही तेजस्वी यादव को लगी, तेजस्वी यादव आनंद फानन में पटना के पारस अस्पताल पहुंचे। सबसे पहले आप तस्वीर देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया तक पर कि तेजस्वी यादव हैं एक तरफ, तो दूसरी तरफ है ओसामा साहब है, बातचीत कर रहे हैं, हिना साहब के बारे में हालचाल जान रहे हैं। आपको बता दें कि हिना साहब को डिहाइड्रेशन और डिप्रेशन की शिकायत हुई थी। उनकी तबीयत काफ़ी दिनों से नासाज चल रही थी। बेहतर इलाज के लिए उन्हें सीवान से पटना कल शाम को ही लाया गया। उनके बेटे ओसामा साहब मौजूद रहे। साथ ही आपको बता दें कि हिना साहब को सोडियम और पोटाशियम की भी कमी बताई जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि मरीज की सेहत में सुधार हो रहा है और वह जल्द ही पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। तो शहाबुद्दीन समर्थकों को चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हिना साहब बहुत जल्द ही ठीक हो जाएंगी। मामूली सी उनको समस्या थी, डिहाइड्रेशन और डिप्रेशन की शिकायत थी। काफ़ी समय से उनकी तबीयत जो है नासाज चल रही थी, और जो है कल शाम उनकी तबीयत अचानक से कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई, जिसके बाद सीवान से उन्हें पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया। जैसे ही ये खबर तेजस्वी यादव को लगी, तेजस्वी यादव समेत तमाम पार्टी के विधायक, बड़े नेता जो हैं पारस में जुट चुके हैं, और अभी भी लगातार पार्टी के तमाम नेताओं का आने का सिलसिला पारस में जारी है।